कश्ती तूफान से भी टकरा के ना डूबेगी, तेरे हौसलों की दीवार कभी ना टूटेगी। रख उम्मीद खुद से, मांग दुआ अपने रब से, तेरी नाव मंजिल पे जाकर जरूर ठहरेगी। हर इंसान ये चाहता है उसे इज्जत दौलत शोहरत नाम सब कुछ मिले, मगर क्या हर कोई ये कुछ हासिल कर पाता है? क्योंकि दुनिया में इज्जत मांगी नहीं जाती मेरे दोस्त, कमाई जाती है। पर हम ये देखते हैं कि हमें हमारी मेहनत से कम दिया जाता है, हमें इतना भी नहीं दिया जाता जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके, तो ख्वाहिशों की तो क्या बात है। मैंने सही कहा ना? मार्केट में अगर आप जाएं तो बेरोजगारी और कम दामों पर काम करने वालों की एक भीड़ सी दिखाई देगी, मगर उस भीड़ के अंदर भी आपको कुछ ऐसे ज़रूर लोग मिल जाएंगे जो आपको ये कहेंगे कि हम मोल भाव नहीं करते, क्योंकि उनका एक कहना होता है कि हमारा काम सबसे अलग है, इसलिए हमारा दाम भी सबसे अलग है। ऐसा क्यों है कि मार्केट में अगर आप कोई काम करने जाओ तो उस काम को करने में 500 रुपया लेने वाले भी लोग मौजूद हैं, वही काम का 1000 रुपया भी, 10000 रुपया भी और 20000 रुपया भी लेने वाले लोग मौजूद हैं। क्यों ऐसा होता है कि किसी को उसी काम के कम मिलते हैं तो किसी को उस काम के ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में, ताकि आप भी अपनी कमाई को बढ़ा सको और अपने मेहनत का फल सही से हासिल कर सको। एक गांव में एक मंदिर बनी, मंदिर के अंदर एक मूर्ति लगानी थी, इसके लिए एक बहुत बढ़िया मूर्तिकार को सबने चुना। वो मूर्तिकार दूर दूर तक मशहूर था, उसके बारे में ये कहा जाता था कि उसकी मूर्तियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं, मगर उसका दाम सर्वश्रेष्ठ था यानी सबसे ज़्यादा होने की वजह से कई लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन आखिर में ये बात तय हुई कि भगवान भी सबसे बेहतर है, इसलिए हमें मूर्तिकार भी सबसे बेहतर ही लेना है। मूर्तिकार आ गया और मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उस मूर्तिकार से मिलने के लिए जब वहाँ का सरपंच गया तो उसने देखा कि मूर्तिकार बहुत ही बढ़िया और लाजवाब मूर्ति बना रहा है। वो सरपंच उस मूर्तिकार को देखने लगा, वो अपने काम में मसरूफ था। कुछ देर बाद उस सरपंच की नज़र दूसरी मूर्ति पर पड़ी जो बिल्कुल हूबहू उसी की तरह थी। ये देख कर सरपंच ने मूर्तिकार से कहा कि अरे भाई, दोनों एक ही जैसी मूर्ति है, ये कहाँ लगेंगी? इस पर मूर्तिकार ने कहा कि सरपंच जी, ये जो दूसरी मूर्ति है इसमें थोड़ी सी खामी पैदा हो गई है, थोड़ा सी गलत हो चुका है, इसलिए मैं उसकी जगह दूसरी मूर्ति बना रहा हूँ। ये सुनकर सरपंच ने उस मूर्ति का जायज़ा लिया, उसे ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी खामी दिखाई नहीं दी। इस पर सरपंच ने दोबारा से मूर्तिकार से कहा कि अरे भाई, इसमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तब मूर्तिकार ने कहा कि आप इस मूर्ति के दाहिने कान के नीचे देखिए, एक खराश पड़ी हुई आपको दिखाई देगी। जब सरपंच ने उसे ध्यान से देखा तो उसे खराश दिखाई दी। ये देखकर वो चौंक गया और उसने मूर्तिकार से कहा कि अगर तुम हमें नहीं बताते तो हमें ये पता भी नहीं चलता कि इस मूर्ति के अंदर खराश है, और तुम हमें ये मूर्ति देकर जा चले जाते तब भी हम आपको कुछ नहीं कहते। इस पर उस मूर्तिकार ने क्या खूब जवाब दिया कि मुझे पता है कि आपको नहीं पता चलता कभी भी, लेकिन मेरे ईश्वर को तो पता था, मैं अपने काम में कभी भी बेईमानी नहीं करता। ये बात सुनकर सरपंच समझ गया क्यों इस मूर्तिकार के दाम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका काम सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है और ईमानदारी के साथ ये काम करता है। आमिर खान को ही ले लीजिए दोस्तों, वो 2-3 सालों में एक मूवी लेकर आते हैं, मगर जब उनकी मूवी आती है तो हर रिकॉर्ड तोड़ देती है, और वो इतना रुपया कमाती है, इतना रुपया कमाती है जितना दूसरे एक्टरों ने मिलकर 3-4 मूवी में भी जितना पैसा नहीं कमाया था, उससे कहीं ज़्यादा पैसा वो अपनी एक मूवी में कमा लेते हैं। क्योंकि आमिर खान का ऐसा मानना है कि अपने काम में कम से कम गलती करूं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को और अपने आप को परफेक्ट बनाने में और परफेक्ट टीम चुनने में लगा देते हैं, जिससे उनकी मूवी का हर एक सीन बेमिसाल अदाकारी का नमूना बन जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके काम के बोलबाले हों और आपके काम के चर्चे चारों तरफ फैल जाएं, तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ताकि आपके काम में भी परफेक्शनिज्म आए और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट काम कर पाओ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कीमत आपके काम की मिल सके। नंबर एक, अपनी स्किल को लगातार इम्प्रूव करते रहें, अपनी स्किल को लगातार बढ़ाते रहें। नंबर दो, अपने काम को पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी के साथ करें। नंबर तीन, लोगों से अपने काम की राय लें, उनसे मशवरा लें और अपने काम के अंदर लगातार सुधार करते जाएं। नंबर चार, कभी भी अपने काम से सेटिस्फाइड ना रहें,
हमेशा अपने काम के अंदर नए से नए तरीकों का इस्तेमाल करें और अच्छे से अच्छा बनने की कोशिश करते रहें। नंबर 5, कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें, बल्कि अपना स्टैंडर्ड खुद तय करें कि मैं इतना अच्छा काम कर सकता हूं और इतना अच्छा काम करके ही दिखाऊंगा। नंबर 6, अपनी कीमत खुद तय करें, कभी भी दूसरों को अपनी कीमत तय करने ना दें। नंबर 7, अपने काम को लेकर हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी रहेगी तो लोग समझेंगे कि आपको वो काम पूरी पक्की तरीके से नहीं आता है, इसलिए हमेशा अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट रहें कि मैं जो कर सकता हूँ वो बेहतर तरीके से ही कर सकता हूँ। नंबर 8, आपसे अगर काम करने में कोई भी गलती हो जाए तो ईमानदारी के साथ माफ़ी मांग लीजिए और वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपसे गलती हो चुकी है, ताकि आप उस गलती को सुधार सके, उसको इम्प्रूव कर सके। नंबर 9, अपने काम के अंदर यूनिकनेस को लाने की कोशिश करें, अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा बारीक बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। नंबर 10 और आखिरी, अपना काम करते वक्त हमेशा ईमानदार रहे और इस बात का ख्याल रखें कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके काम को ज़रूर देख रहा है, इसलिए आपको हमेशा अपने काम को लेकर ईमानदार रहना होगा, ताकि कोई देखे या ना देखे आप अपना काम ईमानदारी से करते रहें, बेहतरी के साथ करते रहें और हमेशा एक कदम आगे बढ़ते रहें। मुझे उम्मीद है ये 10 पॉइंट आपको पसंद आए होंगे। इनके हिसाब से अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अपने काम को करना शुरू कर देते हैं तो आने वाले वक्त में आपके काम की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।